सब्सक्राइब कीजिए शाहुल जॉन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। आज हम पढ़ेंगे भारत चीन सीमा विवाद। 1950 के दशक में चीन को यह महसूस हुआ कि तिब्बत की जमीन पर उसे आक्रमण करना है, तब उसने तिब्बत पर आक्रमण करने की प्लानिंग बनाई कि वह उसे अपने कब्जे में कर ले और अपनी जमीन को बढ़ाए, अपने एरिया को बढ़ाए। इसलिए उसने 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और उसे उसके बहुत बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। जब तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने, जिनका असली नाम है तेनजिन ग्यात्सो, भारत से शरण मांगी तो भारत ने उनको शरण दे दी, जिसके कारण चीन भारत से नाराज हो गया। उसने बोला कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तब चीन के राष्ट्रपति भारत में नेहरू जी से मिलने आए और उन्होंने उस समय में उनसे समझौता किया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय घर घर बोला जाने लग गया। तब भारत के नागरिक और साथ ही भारत के नेता और साथ ही नेहरू जी भी ये मानने लगे कि भारत और चीन अब मित्र बन गए हैं, परंतु ऐसा नहीं था। चीन के राष्ट्रपति चीन गए, जब उन्हें लगा कि ये मेरी बातों में आ गए हैं, तब उन्होंने 1962 में अपनी चीन की सेना को भारत पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया। उस समय तक नेहरू जी ने तिब्बत से और चीन से जहाँ जहाँ उनकी सेना थी जो चीन पर आक्रमण करने के लायक थी उस समय में, वहां से अपनी सेना को हटा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब चीन और भारत मित्र हैं। परंतु इसी का फायदा उठाकर चीन के राष्ट्रपति ने वहां अपनी चीनी सेना को भारत पर आक्रमण करने के लिए कह दिया। इस समय में चीन ने भारत को हरा दिया और भारत बहुत बुरी तरह से धाराशायी हो गया। भारत की सेना 1962 में चीन से हार गई। बैठ सकते।